إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أكتو رجائي منك وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتؤتيني فمن ذا الذي أسأله فيؤتيني إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني إلهي فكما فلكت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين كريم الله عبادت قبول فرما برادر سید قصر بادشاہ صاحب اور برادران نے پرخلوص اہتمام قبول فرمو مالک انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما مالک انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت دے نزول فرما سوائے غم امام حسین دے ہر غم تو محفوظ فرما رزق حلال اچ برکت عطا فرما حاضرین اچ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت کامل عطا کوئی بے اولاد ہے تو حیاتی والے بچڑے عطا تنگ دست مومنین دیا غرتاں دور فرما وارث حقیقی امام زمن دا جلد ظہور فرما کرونا نامی وائرس تو پوری دنیا دے حسین والیاں کو محفوظ فرما صلی اللہ محمد و آل محمد سارے چو ہر بندہ ہر شاہ دے نال دائمی مقروض ہے آل محمد دے ابدی احسانات دا حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرض دا کرو صلوات باواز بلند تعداد کثیر ہے والی مشہد والی خراسان امام سامن غریباں دا ضامن میرے اٹھواں مولا پہ فرمیندن جڑا بندہ اپنے گناہ دے کفارے دے کیتے کچھ نہ کر سکدا ہووے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے سی اگر بندہ ساری رات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا رہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات القرآن ما علی و علی ما القرآن تھوڑے جہے نیڑے تھی قریب تھی جا خالی پی ہے چنگی نہیں لگتا پی تھوڑے جہے ڈو ڈو قدم قریب تھی ہونا ایڈا فاصلہ چنگا نہیں ایتھے ہی حل پو ٹھیک ہے چلو مہربانی سے دعا ہے مالک اللہ عبادت قبول فرماوے مالک کوئی دکھ نہ دے وے سوائے غم امام حسین مالک قدم قدم عبادت و زمائے شمار فرماوے میں حضور دے سامنے قرآن ناطق وحی الہی دے بغیر نطق نہ کرنے والے پاک نبی دی ایک حدیث تلاوت کیتی ہے اللہ دے نبی پہ فرمیندن القرآن ما علی و علی ما القرآن دنیا والے میرے علی بھرا دا موازنہ نہ کہ کمی نال کرائے نہ عام لوگاں نال کرائے میرے بھرا دا معیار اے ہے قرآن علی نال علی قرآن نال توجہ ہے میرے پاس سید قرآن علی نال ہے علی
कुरान नाल जिहड़ा बंदा ज़हनी तौर पर मजलिस हाजिर बैठे कुरान अली नाल अली कुरान नाल जाड़ा साहब फरमाइंदे रहिंदे ने अल्लाह दी कायनात विच निगाह करके देखो रूह ए जमीन ते कुरान जैसी किताब न लभसी अली जैसा इमाम न लभसी तवज्जो है सही कुरान जैसी किताब न लभसी अली जैसा इमाम कुरान दा पढ़ना सवाब कुरान अली नाल है अली कुरान नाल है अगर कुरान इंसानी सूरत च आंदा तो अली बन के आंदा अगर अली किताबी सूरत च आंदे तो कुरान बन के आंदा जिहड़ा बंदा हाजिर बैठे ने नी तौर कुरान अली नाल कुरान दा पढ़ना सवाब अली दा देखना सवाब कुरान दी तिलावत इबादत अली दी ज़ियारत इबादत जिहड़ा बंदा हाजिर बैठे कुरान दा पढ़ना सवाब अली दा देखना सवाब बंदा केड़ा जिहड़ा ना बोले कुरान दा मुनकर भी लानती अली दा दुश्मन भी लानती कुरान दा मुखालिफ भी लानती अली दा मुखालिफ भी लानती शाम दे मुल्क जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौला अमीर कायनात दे चाचा दे पुत्र हैं सोत्र हैं तो मौला अली अलैहि सलाम दे शागिर्द हैं सभी तफसीर कुरान मौला कोल पढ़ी हैं ये गए शाम विच शाम दे बादशाह कुर्सी दी दरबार विच आखा अब्दुल्ला मैं चाहना मैं सुना भी तू अली दे फजाइल ढेर पढ़ दें अली दे कसीदे ढेर पढ़ दें बेहतर इवें है कि अली दे कसीदे पढ़ना फजाइल पढ़ना छोड़ दें और जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हैं कुर्सी ते ऊ गाल की थी भाई अली दे फजाइल पढ़ना छोड़ दे जनाबे अब्दुल्ला बे पासे मुँह चले कोई तू बैठा ही वह तक अब्दुल्ला तो मेरी गाल नहीं बैठा सुनता मैं बैठा दा अली दे फजाइल न पढ़े कर छोड़ दे अली दे फजाइल अब्दुल्ला ने वाती पास लिखी वहाँ के अब्दुल्ला तू तवज्जो नहीं पिया देंदा मैं त्रीजी वार पिया दा ते मेरी बात हुण कन्ना नाल सुन के अगर ते वक्त अली दे फजाइल पढ़े तो मैं हुण सजा देसा जलाल जाहिर थिया हाकिम दी अख जाग पा के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दे तेरी क्या सलाह है मैं कुरान पढ़ना छोड़ देवां जड़ा बंदा जागता बैठे बोले सी मेरे नाल यार तेरा कई इरादा है मेहरबानी तेरा कई इरादा है मैं कुरान पढ़ना छोड़े वहां वहां का मैं तो कोई नहीं आखा भाई कुरान न पढ़ मैं ते को बैठा था अली दे फजाइल न पढ़ वहां के तू क्या चाहना मैं अली दे फजाइल रुक वंजन वहां का जी मैं चाहना वहाँ कह बात जे अली दे फजाइल रुकावना चाहते पहले कुरान खत्म करा वहाँ के अली दे फजाइल ते कुरान दे केड़ा ताल्लुक है वहाँ के तय नहीं सुना नबी आ भी यहा अल कुरान मा अली व अली जुन मा अल कुरान अली दे फजाइल खत्म करावने पहले कुरान मुकावना पोसी क्यों जब तक कुरान पढ़ी दे रहा सी अली दे फजाइल सुनी दे रहा सी जब तक कुरान पढ़ी दरासी अली दे फजाइल भजन सिंह दरासी अली दे कुरान जे तक रासी अली दे फजाइल तो जो है कुरान अली नाल अली कुरान नाल कुरान दा पढ़ना सवाब अली दा देखना सवाब कुरान दी तिलावत इबादत अली दी ज़ियारत इबादत भाई तो जो मेरे पास है अच्छा जी सवाल पैदा थींदे पुराने सुनने वाले बैठे मुश्ताक मेहदी के कुरान अली तो कुरान नाल हैं शाह जी अली तो कुरान नाल हैं किवें जी जिवें कुरान आख्या अली उवें जिंदगी गुजारी कुरान दे मुताबिक अली दी जिंदगी कुरान तो बाहर नहीं जेड़ा हुक्म कुरान दिता अली उवें जिंदगी गुजारी जाहिर अली तो कुरान नाल हैं सवाल ये पैदा थींदे भाई कुरान किवें अली नाल किनां दी तवज्जो नहीं कोई हाजिर नहीं बैठे भाईजान अली तो कुरान नाल हैं कुरान ते अमल करके एक कुरान कीवें अली नाल सर चावे देख मेरे पासे अली ने कुरान दे मुताबिक जिंदगी गुजारी ते किरदार है अली अल्लाह को एडा पसंद आए
अली जेड़ा कम करेंदा गए अल्लाह आयत भेजेंदा गए अली अमल करेंदा गए अल्लाह आयत भेजेंदा ऐया कुरान मा अली कुरान मा अली जेड़ा अमल करेंदा गए आज अली फिल कुरान पे पढ़दा कुरान पढ़दा पे अली को पढ़दा पे कुरान इचो कर सकदे वे सवाल इमरान जंडीर भाई ये किवें है भाई ए अली कम कीता ते अल्लाह आयत भेजी हां जेड़ा बंदा हाजिर बैठे अगर कह रात मोहम्मद दे बिस्तर ते सुता है अल्लाह फौरन आयत भेजी है व मिनन ना उसे मई ये शरीफ नफ्स हो तगा मरजात अल्लाह है अल्लाह रऊफुम बिलिबा तवज्जो है मेरे पास ही यार अली दी तहारत दा ऐलान करना है ते इनमा यरीद दी आयत भेज दीती है जेड़ा बंदा जींदा बैठे हुण तेरे मिलाद ते जुमला पिया पढ़दा अली मैदान च जम के लगे अल्लाह आयत भेज दीती है कानहुम बुनियान मरसूस जेड़ा बंदा हाजिर बैठे नहीं 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 सरचा सरचा कानहुम बुनियान मरसूस गड्डा मैदान है ओहद तवज्जो है भाई मैदान च अली वेंदे पए एक बुढ़ा बैठा है अली में टुरन ना अली खिरामा खिरामा टुरन जेड़ा बंदा हाजिर बैठे बोले सी एक बुढ़ा बैठा है ऊ दिठे नबी दे कोल आखड़े या रसूल अल्लाह दिठा वे कल आयत नहीं आई ला तम से फिलार दे मरहन भाई जमीन ते अकड़ के मत चलो कल आयत आई है जमीन ते अकड़ के मत चलो अली को दिठा वे अली अकड़ के तुरदा पाए नबी फरमेंदे ने बुढ़ा खामोश जेड़ी से तू नहीं जानदा अली जान दे सही मैं क्या ना जानदा अली क्या जान दे मुस्तफा दी अख चक पा के दिन सुन हर मकाम ते गरूर करना हराम है दुश्मन दे मुकाबले चाहे नहीं सलाम है हैदरी जाके भी जाके जाके हर मकाम ते गरूर हराम है दुश्मन दे मुकाबले फखर करना है नहीं सलाम है जेड़े बंदा हाजिर बैठे से सर चावने देखना मेरे पास अगे अगर अली जम के लड़े तो अल्लाह आयत भेजिए कानहुम बुनियान मरसूस अली दी विलायत दा ऐलान करना है अल्लाह आयत भेज दी है इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युकीमुन सलात व युतुन ज़कात व हुम राक तवज्जो है मेरे पास है भाई अगर अली दी विलायत दा ऐलान है तां भी अल्लाह आयत भेज दी अली दी तहारत दा ऐलान है तां भी अल्लाह आयत भेजी हाथ मुक गई अली दे फजाइल दी कोई तारा एक रात अली दा कमी बने ਉਹ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕਮੀ ਬਣਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫੌਰਨ ਆਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵਨ ਨਜਮੇ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਕਮੀ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅੱਲਾ ਕੇ ਵਨ ਨਜਮੇ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਬਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕੁਦਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਕਿਹਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ कौमे बनी सलीम ते फजर दी नमाज पढ़ के शाजी अली हमला कीते मेरे को मिंबर दी कसम है इलाका है पहाड़ी बात इमरान दी नहीं बात अल्लाह दे कुरान दी है इलाका है पहाड़ी अली दे घोड़े दे सोंब पत्थर ते पाए चिंगारियां जो निकली हैं अल्लाह को चिंगारी ये भी पसंद आई है अल्लाह फौरन कसम जाती है वल आदियात जबहन फल मोरियात गधन मुझे कसम है फुकारते हुए घोड़े की और उन चिंगारियों की को जो घोड़ों के सुनों से निकलते तवज्जो है मेरे पास ये भी पसंद आई है सर अली दे घोड़े दे सुन बिचो निकली हुई चिंगारी तवज्जो है मेरे पास है भाई तहारत दा ऐलान है ता आयत आई विलायत दा ऐलान है आयत आई अली जम के लड़े ता आयत आई तारा कमी बने ता आयत आई है सुंब घोड़े दा पत्थर ते पाए शादी चिंगारी निकली है ता भी बोलो आयत आई है हाथ मुक गई है अली ने खैरात की थी इस घराने मन्नत मनी है रोटियां दी हैं मन्नत दिया अल्लाह को जौ दिया रोटियां एडी पसंद आई हैं व युतमून तौम आला हुबहि मिस्कीन व यतीम व असीर तो जो है मेरे पास है भाई मेरे ख्याल बैठे तक ही में दीगर द टाइम है अल्लाह यार तो जो है भाई
घोड़े दे सुम बिचू निकले हुए चिंगारियां दी अल्लाह कसम चाहिए। तवज्जो भाई, जेड़ा बंदा हाजिर बैठे रोटियां दी, अच्छा रोटियां कितनी हैं? रोटियां हैं छी, जाओ दियां छी रोटियां। आयतां कौसर चा कितनी आई हैं? त्री रोटियां छी आयतां आई हैं त्री। अल्लाह दी बारगाह च अली दे घर दी एक जौ दी रोटी तुली ए कीमत बनी ए छी आयतां कुरान दी। जेड़ा बंदा हाजिर बैठे हो बोले सी मेरे नाल भाई, सुलझे हो जहन अंदाजा करा भाई, अल्लाह दी बारगाह च अली दे घर दी जौ दी एक रोटी तुली ए कीमत कितनी बनी है? छी आयतां कुरान दी। ते कुछ समझ नहीं आई आ ते कुछ असा एक आयत कितनी वजनी होंदी है। जेड़ा बंदा हाजिर बैठे बात इमरान दी नहीं, बात अल्लाह दे कुरान दी है। कुरान पिया दे मिस्र दा बाजार है, नबूवत पिया विकदी। जेड़ा बंदा हाजिर बैठे बोले छी मेरे नाल, मिस्र दे एक आयत दा वजन दसैना वछी आयत दा वजन आप करें जो अली दे घर दी जौ दी रोटी कितनी वजनी है। नबूवत पिया विकदी, यूसुफ पिया विकदा, तुसे शायर बैठे वे ना तू वजन करे मेरे जुमलां दा, नबूवत विकदी पई है। ऐलान हो गए तो साढ़े को एक बच्चा है विकाऊ है जेड़ा गिने खलकत त्रुटि। जनाब यूसुफ ने दिठा ताजर दे पासे, ताजर दे पासे देख क्या दिन ताजर मैं अपनी कीमत आप करे सा सारचा में देखे मेरे पास हूँ आके मालिक मैं कीमत तो सा करे सो मुस्करा क्या दे मालिक चौकी कीमत भरी होते हैं तो जो ही है। कुरान पे आदे नबूवत विकी आई उतना सतारहं दिरहम वही खोटे जेड़ा बंदा जागदा बैठा तो जो है मेरे पास है भाई सतारहं दिरहम भरे नहीं वही खोटे चौकी कीमत भरी आई फिक्र न कर यूसुफ आदे इतनी कीमत घेन दे सा ते जे नस्ल कोई तिजारत दी लोड़ न रस। जेड़ा बंदा हाजिर बैठे बोले सी मेरे नाल नस्ल कोई तिजारत दी लोड़ न रस आके कीमत मैं आप करे सा आप करे सो जी आप करे सो जी असी जे मिस्र आया सामने आ खड़ा जनाब यूसुफ बैठे ताजर दे पासे देख के दे ताजर कीमत वक बच्चा आप करे सी कीमत तवज्जो मेरे पासे रहो बच्चा आप करे सी कीमत। यूसुफ मुस्कुराए अली जे मिस्र देख के दे बच्चा कीमत मुस्कुरा के दे कीमत थोड़ी जई केड़ी वक मैं हित पलड़े च बा समय तराजू दे दूजे पलड़े च रखे सोना जद बराबर आके तुल भी आ मेरी कीमत आ गई अजीज मिस्रा दे बस इहा कीमत मुस्करा के यूसुफ आदन पहले इहा तो भर जेड़ा बंदा जागदा बैठे हो तो बोले सी ना मेरे नाल तो जो है मेरे पास भाई पहले इहा तो भर देर केड़ी आई बादशाह दे दू चा जी उस आर्डर कीता आर्डर हो गया जी सोना घेना हो सोना आवना शुरू किया अद्धा मन पौना मन डेढ़ दू ढाई मन तो मंजिल वधी आंदी खजाना हल गए अजीज मिस्र दा अजा तक यूसुफ दा पलड़ा जमीन ते पाए जेड़ा बंदा जागदा बैठे होंदे वास्ते जुमला पिया दे चेक पिया करे ना केड़ा कितनी तवज्जो छे जेड़ा खजाना हल गए अजीज मिस्र यूसुफ दे सामने आए इवे इबरत दी उंगल मुंह च पा के दे बच्चा सच दसा कहीं इसमें आजम दा मालिक त ना है। जेड़ा बंदा हाजिर बैठे हो बोले सुभान अल्लाह हैदरी सच दसा इसमें आजम का मालिक तो नहीं घबरा गए घबरावा नहीं तेरा बचगाना वजन है मेरा खजाना हल गए अजे तक पलड़ा नहीं पिया हलदा पहाड़ पुल आले पुराने सुनने वाले बैठे वे नबी ने तराजू च बह के हुक्म दिता फरमेंदे ने एक कम तू कर अगर अपनी फलाह चाहना है केड़ा कम वन कागज कलम दवात मंगा पहाड़ पुर आले हूं देखना चाहना कहते सर दे उतू जुमला गुजर दे ते केड़ा मेरा जुमला वसूल करें दे अल्लम दी कसम है नबी है के कागज कलम दवात दे तोड़े काफिर हा लेकिन नबी को कलम दवात देवन तो इनकार नहीं किया हैदरी तवज्जो है भाई अजय माहौल नहीं पिया बनता तेरे को मैं तो तोड़े काफिर हाई नबी को कलम दवात देवन तू इनकार पता है जेड़ा कुछ आदा पे फला हो नबी ने कागज कलम दवात गिदे यूसुफ ने शाजी लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसनैन पीर लिख के नबी ने कागज बंद किया
फरमाइंदे जिहड़ा खजाना आ गए काफी है, ये खजाने के उत्ते ही कागज रखो, कदी नहीं सुनने वाले बैठे हुए थोड़े चक्कर इस बात समझ ना आई कहीं गुनाह से। एक कागज आया सोने के उत्ते, खजाने के उत्ते कागज आए, यूसुफ का पलड़ा उठे, खजाने के बराबर तुल गए। और तेरे को पुछदा नबी को कहें चाहे कागज चाहे या सोने चाहे, न सोने चाहे न कागज चाहे, नबी को चाहे बिस्मिल्ला पहाड़ पर आले बिस्मिल्ला है कुरान दी है कायत, ओए नबी दा वजन है कुरान दी है कायत, अली दा वजन शेख नाल न कर जेंदे घर दी एक जौ दी रोटी दा वजन है छी आयत कुरान दी। है भाई नबी दा वजन ही है कायत, अली दे घर दी जौ दी एक रोटी दा वजन तो जो है भाई एक रोटी जौ दी तुल्ले ते छी आयत कुरान नहीं बढ़दी। चर्चा देख मेरे पास आम लोगों नाल अली दे वजन न कर, नबी फरमा गए अल कुरान मा अली अलीयुन मा अल कुरान, मवद्दत वाजिब है अली दी, मवद्दत वाजिब है, मोहब्बत नहीं मवद्दत सुपरलेटिव डिग्री है। तवज्जो मेरे पास, पानी नाल मछली को मवद्दत होती, पानी तो बहर आवे तो मर वी, अल्लाह ने कुरान इन्हों की मवद्दत मंगी है, मोहब्बत नहीं कमजोर रखी दे मोहब्बत, इतनी मवद्दत होवे एक लहजा ही अगर इन्हें तू जुदा होवे तो तू मर वे वह तू मोमिन। और करबला दे गरीब हुसैन को एडी मवद्दत आई अपने बाबे अली नाल, हर पुत्र दा नाम अली रखा ले, कोई अली जैनुल आबिदीन, कोई अली अकबर, कोई अली असगर, कच्ची आले बहु प्यारी आएस ओ धी, घट प्यार धीन मां नाल ही कोई ना, पुत्रां दे नाम बाबे दे नाम ते अली रखे ने, धीयां दे नाम मां दे नाम ते सैयदा रखे ने। जरूरी नहीं मैं ना चाहना तुरो में अदब नाल पिया गुजरदा, दुखे पासे वाली मां दे नाम ते धीयां दे नाम सैयदा रखे, पहचान दी खातिर इलकाबात हैं, पहचान लकब हैं जेडे पहचान दी खातिर सड़ेंदे हैं। और बहु प्यारी है इस ओ धी जो मासूमा सड़ेन है, मासूमा सैन के हवाले नाल मजलिस है। पाकिस्तान दे विच ये त्रै तारीखें बरिवायत यौम शहादत मासूमा सैन का मनाया वेंदे, 29 मुहर्रम 13 सफर ते 5 रबीउल अव्वल, ये त्रै डेट हैं जड़ियाँ मनाई वेंदियाँ बीबी की शहादत के हवाले में। पाकिस्तान दे विच बहु प्यारी है इस ओधी मासूमा सलेंदा, पता है बीबी दे एक लकब है लकब पाक है सकीना, पता है सकीना क्यों सलेंदे ना पाक नहीं लकब है, सकीना क्यों सलेंदे सफर चो वलिया हुसैन ते थका वलिया सड मारे ना मासूमा मैं थका आया, धी आके प्यो दे सीने ते संप हो गया, जड़े मातमी हो जना धी आके प्यो दे सीने ते समया प्यो दे थकेड़े लै वजे ना, तस्कीन कल्ब दी वजह नाल सड़ेंदे हैं सकीना हुसैन दे सीने दे सकून। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है भाई, कसर अब्बास मालिक थोड़ी फुड़ी विछाई कबूल फरमावे, मालिक थोड़े बच्चों की जिंदगी दराज फरमावे, जितने मातमी बैठे हुए ना जद वसदी आई तद प्यू दे सीने ते समदी आई, तें बहु रोमने अगर जेन मजलिस छोया वसदी आई तद प्यो दे सीने ते समदी आई, अमीर गरीब हो गए शरीफों ते वक्त आ गए, पहाड़पुर वाले दहवीं दी ढला मासूमा दे वक्त ढले, जितने मातमी बैठे हुए ना ओ वेला कयामत आई जिन हुसैन आखरी सलाम करना है, बड़े दुखे जुमले आ गए,
قیامت دے ویلا جدا مظلوم آخری سلام کرن آئے جتنے ماتمی بیٹھے وے معصوم کوہان اللہ کے بادشاہ ترے وسیعت کیتیاں پر میں نے میری پہلی وسیعت یاد رکھے میرے بعد پھپھیاں کو تنگ نہ کرے ہائے ہائے جڑا ذہن مجلس چاہ گئے میرے بعد پھپھیاں کو تنگ نہ کرے بابا کوئی بئی وسیعت میرے بعد جتھاں جہ مل پوی سم پونا شاباش میرے بعد جتھاں جہ ملے سم پونا بابا میں کہنے کول سمساں ہولے ہولے آدن تو اصغر دماغ کول سمساں بابا اما کول تے چوٹیاں والا سمدے سیدہ دے تبادلہ ہو گیا آج تو بعد اصغر میرے کول سی پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا حاضر نہیں بیٹھا مجلس تبادلہ ہو گیا آج تو بعد اصغر میرے کول سی تے تو سمے ماں کول اچھا بابا میرے کو نیند آوے نہ آوے میری اپنی قسمت بابا تسا کتھا سمسو پیر نیر شاہ جی میرے سامنے شورا حضرات بیٹھے تواڈے واسطے خدا سخن حضرت انیس تے دو شعر پڑھدا بابا میں کو نیند آوے نہ آوے بابا تسا کتھا سمسو غریب اشارہ کر کے ادن میں مقتل سمساں جڈا کنے سامنے مقتل سمساں تے رونی حسین دی دھی پیو دے گل چ بہی پا کے ہولے ہولے ادی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا لکھوار 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 جائیں دے پردے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا پہلی وصیت پھپھیاں کو تنگ نہ کریں دوجی وصیت جتھن جہ مل پوی اتھائیں سمپو میں تریجی وصیت حضرت انیس دی زبانی پڑھ داں حضرت انیس نے لکھی ہے تریجی وصیت تے پتہ نہیں کائنات ختم کیوں نہ تھئی غریب روندا کھڑے دھی دا سر چم کے آدھا کھڑے میری تریجی وصیت ہے جب شمر مجھے ذبح کرے بین نہ کرنا خنجر کے تلے بابا کو بے چین نہ کرنا شاباش 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 میں لکھوا جب شمر مجھے ذبح کرے بین نہ کرنا خنجر کے تلے بابا کو بے چین نہ کرنا جب شمر مجھے ذبح کرے بین نہ کرنا خنجر کے تلے بابا کو بے چین نہ کرنا جڑے ماتمی ہی وے پیو ٹر گیا دھی رول گئی ہائے میں ڈالنا ہائے میں ڈالنا جڑا ذہن مجلس وچ بیٹھے 29 ہے نا پیو ٹر گیا دھی رول گئی بابے دے بعد اکبر دی شادی والے زیور اکبر دی جنگ نال محمل تے سوار تھئی محمل پردہ کھڑا جو تو سید بیٹھے ہو سامنے اکبر دی جنگ نال محمل تے سوار ہوئی اوکھے پندائیں سفر طے ہو گئے اٹھ آ گئی جت نئے سامنا جڑے ماپی بیٹھے ہوئے درجات بلند من خاتم مذاکرین میرے بزرگ بابا ملک فدا حسین جلیل علی اللہ مقام ہود اے ذاکری سب تو پہلے لفظ نے استعمال کیتا ائی او فرمیندے نے مخدرات تے عصمت کو شام وچ نور محل او ملیا جندی چھت کوئی نہیں سائل نے سوال کیتا تو نور محل پڑھے او فرمیندے نے تے سید زادیاں رام نے نور محل ہوندے چھت کوئی نہیں عیسیٰ نبی دے دور دی مسجد آئی عیسیٰ نبی دے دور دی چھت کوئی نہیں بلند و بالا دیواراں موجود ہیں دو وجوہات لکھیاں گئی ہیں سانپ اور بچھو راندے ہیں نانگ تے وٹھو میں راندے ہیں مدت تو اتھا کہیں نہ قدم نہیں آیا نانگ راندے ہیں عارفین جڑے علماء ہیں نہ جڑے عارف لوگ ہیں انہیں انہ دے رہن دی وجہ بیان کیتی ہے انہیں فرمائے اتھا نانگ تے وٹھو میں کیوں راندے ہیں وہ فرمائے دے راندے نہیں تھامنے ہیں علی دیاں دیاں دے پاک قدم ہیں اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے جتاں علی دیاں دیاں دے قدم آمین اتھا کوئی نج سپیر نہ ہو جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے میں تا پڑھ چھوڑے جملہ جے کو سمجھ آ گئی ہے اے عارف لوگ فرمین دے راندے ہیں جتاں علی دیاں دیاں دے قدم آمین کوئی نج سپیر نہ ہوئے انہاں کیوں قید کی تہائی انہاں ہی واسطے قید کی تہائی انہاں دا مقصد آئی اسم مستوراں دے قتل دے الزام تو بچ ویسوں نانگ تے وٹھویں ڈنگ مرے سن
आपे सही आजादियाँ अपनी मौत मर वैसे कोई बंदा है कर गिने तो जुमला दपिया नहीं सुनाता तो उम्मत नहीं सुनाता हशरात उल अर्ज ने इन हया की ताली दियाँ धियाँ दा मेरी सैन द पहला कदम नूर महले चाहे नाक ते वठूं है हिक बे तो ले क्या दिन जल्दी करो है जा छोड़ दियो अज किस्मत नाल द्वारी ओ मेहमान आ थई है जेडी बाबे नाल औखा लेंदे जेदा मलाइका तो परदा है जेदे फरिश्ते नौकर आए शाबाश बे शाबाश जेदे फरिश्ते नौकर आए अली दियां धियां नूर महले च आ गईयां ते इस नूर महले च धी मजलूम दी बेरात अजीब गरीब सवाल करें दी आई कहें कह वे आख्या है सजाद शाम च हवा नहीं घुलदी बीमार फरमावे ना घुलदी है जित अस है इतना लगदी नहीं कहें कह वे आख्या है सजाद पखी किन पे वेंदन गरीब आख्या वतन ते वले वेंदन हौले हौले आख्या शाला रात रोक वनी कदी शाम दे कैदी वतन ते वल वेंदन बीमार आख्या रुआ नहीं हर कै वल वनने तेरी कबर शाम च बननी अच्छा बच्चा कहंदा होवे ना कहंदा बच्चा हमेशा सजना को तंग करे सी खुदा न करे जख्मी होवे बच्चा या बीमार होवे सजना को तंग करे सी खाना चाहिदा है पानी चाहिदा है हुण फलां चीज चाहिदी है हुण फलां चीज चाहिदी है जितने मातमी बैठे वे हुसैन दी धी जख्मी भी आई तस्सी भी आई दुखी भी आई करो सवाल कदा तंग कीता है सजना खाना मंगदी आई नहीं पानी आरिफ शाह ना खाना मंगदी आई ना पानी मंगदी आई हिको सवाल करें दी आई रो के आखिया सजाद शाला रत रोको नी ना खाना मंगदी आ ना पानी मंगदी आ सवाल मेरा हिको है सजाद आखिया केड़ा बीबी आखिया जड़न दा कुठे मैं दिठा नहीं एक बार मैं को बाबे दा सर गिना दे बाबे कोल पुछ दिया बाबा आखरी वेले तेरी निभदी किवें रही बीमार फरमांगे ना बाबा इत्थे नहीं बाबा उंदे महल च मैं शाम दा कैदी अगर मैं सर मंगा तो वो मेरी कंड ते सत्रह लिख सन मेरी कंड हुण सत्रह बर्दाश्त नहीं कर सकदी कई दिन भिरा ते यो सवाल करें दी रही कई दिन दे बाद अपने आप को आदि मासूमा क्यों कहनी है मिन्ता करें दी सजाद जो इमाम है तू ही तो इमाम दी धी है अल्लाह को कोई यो जिया वास्ता दे जेड़ा अल्लाह दी जात रद्द न करे केड़ा वास्ता दितस फजर दी नमाज पढ़ के नूर महल दे कोने चा बैठिए हुक्म जो है जो रोंदी अख नाल दुआ मंगो तो कबूल थींदी है पहले प्यू दा भजदे घोड़े तो लहना याद करके रोनी है जदा अखा वस पईयां ने हुण दुआ दे हाथ चाहे ने ते वास्ता अल्लाह को दितस अल्लामा दरबंदी पे लिख दें जो जेड़े मोमिन दी दुआ कबूल ना होंदी होवे अल्लाह को यो वास्ता देवे साडी जेड़ा हुसैन दी धी दित्ते अल्लाह दुआ रद्द नहीं करेंदा पता है केड़ा वास्ता दितस ए दुआ दे हाथ हर दुआ मंगण वाला ई चेंदे पता नहीं मासूमा दी मजबूरी केड़ी आई हाथ ईच इशारा में करना है सैयद बैठे हो समझना तेरा अपना काम है हुसैन दी धी इन हाथ जाए ते दुआ दे हाथ जाके हुण सर जाने देखे मेरे पास जेड़ा वास्ता दितस आदि कड़िए इलाही बेहक के जत्ती अल सैयदा मेरा अल्लाह मेरी दादी सैयदा दे दुख पासे दा वास्ते आरे नहीं अभी मैं को बाबा दिखा मैं को पियो की ते मुंह जाई मती आयाती यो भी जड़े वैंड कर करों दे बैठे मैं को बाबे की ते मुंह जाई है जड़े मातमी ही वे दुआ मुकी पर तू था बैठी जी थप पर्दादार बैठे हैं बीबियां करबला तो टुरे आसे कूफा कूफत टुरे आसे शाम शाम तो घिन के नूर महल पंद औखे आयन सफर औखे आयन हो सकदे कहीं बीबी को मेरी वजह नाल कोई तकलीफ आई हो कदी ए मैं को हुसैन दी मासूम अधी समझ के माफ कराए
मासूम केड़ी गल करें तो रात समझ आ सी जब मैं कोई ना हो सी जी बाबा मैं लखवार हो सकता है कहीं मस्तूर को मेरी वजह ना कोई तकलीफ आई हो मैं कोई यतीम समझ के माफ कराए जेडे मातमी वे वह तू उथ लगी आई जिथ सजाद बैठा आई सैद माफी दिवाए जुमला पिया पढ़ता दुआ मंगदा ते आमीन जरूर रखाए दुआ मांग इशाला कहीं गयूर बिराद रले भेण कह दिन ना हो सजाद आए दे खा गए मैं को भेण दे सवालात जेडे शाम इच करें दी आए इन करीब आ बैठी है हौले हौले आदि बैठी है सजाद चल रात रुक वही सजाद मैं तेरे प्यो दे सीने ते सम्मण वाली दी हाँ अज अल्लाह को ऐसा वास्ता दे आई हाँ जेड़ा अल्लाह रद्द नहीं करना जुमला समझ गिने ताक दा वजू होवे सी ऐसा वास्ता दित्तम जेड़ा अल्लाह रद्द नहीं करना अज जरूर मैं को बाबा मिलना सी अगला जुमला आखा जा सरे की बेलते जेड़े मात भी बैठे वे हौले हौले आदि बैठी है सिर्फ मिलन ना आसी अज घिना ना आसी हाय मैं डाल ला पता नहीं केड़े बंदे जिंदे है नहीं निकली उन्नती मुहर्रम दरी नंदा पे अज बाबा सिर्फ मिलन ना आसी अज घिना ना आसी जदम बाबा आसी मैं बाबे नाल लगी वैसा पुछ दी या गल्ला शाम में कोई कैदी मरे कब्र किथे बणदी है गरीब आते गरीब वाले कब्रिस्तान बीबिया दी शरीयत आदि है जो मैयत को अमानत रख छोड़ो हाँ मासूमा अमानत दई हुक्म है बीबिया दी वसीयत ना करें दी जो तू वड्डा गरीब है वसीयत दा पूरा करना होंदे वाजिब वसीयत नहीं दिल अली हसरत रसेंदी सजादा दे हसरत केड़ी है बीबिया दी मेरी हसरत है जद मैं मर वन्या मेरे मरण दे बाद मेरे मैयत शाम में अमानत च रखे बीबी आदी फुफी दसेंदी है जद रिहाई मिलसी त्रै महमल मिलसे आवाज आंदी है याद रखे त्रै दी जात ते चार महमल मंगे जद रिहा थी में चौथे महमल च मेरी मां मेरी मैयत चाहिए दुसी आदी जद बाबे दा चेलम करण करबला वन पहुंचे मिन्नत लावे मैं को प्यो दी कबर खट के बाबे दे सीने ते समावे मैं को शाम खा गई अदिये मेरी कन्ना दी रात नहीं रुक दी अदिये मंगे हाँ मैं आप लहा दे वहाँ कोई ये सरंग ना लहाए ने सजन ते ही मेरे के लखवार लखवार जी बाबा जी मैं लखवार आ कमरी रोहानी ये तली मजलिस मेरे कन्ना दी रात नहीं रुक दी बीबी अदिये मंगे हाँ मैं लहा दे वहाँ इस रंग ना लहाए ने सजन ते ही याकूती कतरे नहीं रुक दे तेरे मातमी हुए बीबी अदिये वसीयत है वसीयत है इमाम जो हैं जिथे मसलहत होवे दफना छोड़े इमाम दी मसलहत जिथा होवे उठी ते वत सारा दी कच्ची आले सूरज तो दे दी रही आदि रही है सूरज जब खड़े गरूब थी में आ मेरे को बाबा मिलना आ गया सूरज गरूब हो गया नमाज औखी पड़ी नमाजी इमाम दी थी मगरब इशा पढ़ के हुसैन दी मगमूम धी को निंद्र आ गई जेड़े मातमी बैठे वे सम पई हुसैन दी धी करो आ न सवाल इमरान झंडीर दसा समी कीवी हाई जुमले मेरे नहीं है काले में दीन दे जुमले पिया पढ़ पढ़ते पे सीधी नहीं सम सकती जो सारा जख्मी है ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੈ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਜਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇੜੀ ਕੋ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਦੇਖ ਧੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮਾ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਆਈ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਨੇ ਸਰ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵੇ मुद्दत दे बाद अज मेरी धी को आ गई है नींद्र कोई बीबी उच्चा न रोसी हर मस्तूर खामोश अद्धी रात दवेला हुसैन मजलूम दी धी को ख्वाब विच बाबा मिलन आया मुक गई मेरी पढ़ाई इतों दो वैन करां जेड़े मातम दे वास्ते तुसा जेड़े मातम दे आदि लोगो पुराने मातम दे दो वैन सुनावा
मुद्दत बाद हुसैन दीदी को निंदराई ख्वाब बाबा मिलन आया। ख्वाब हर ख्वाब का एक मंजर होंगे मुर्शिद, कोई ख्वाब होवे एक मंजर दिखाया वेंदे, ख्वाब का एक मंजर होंगे। जिंदगी दराज होवे मेरे उस्ताद मोहतरम फखरुल मुहक्किकीन अल्लामा मोहम्मद सकलैन घलू साहब दी, ओ फरमाइंदे रहंदे ने उलमा लिखे हुसैन दी धी को जिहड़ा ख्वाब दिखाया गए ना, ख्वाब विच जिहड़ी तस्वीर दिखाई गई वह किहड़े वेले की तस्वीर आई। वो फरमाइंदे ने हुसैन दी धी को ख्वाब का वह मंजर दिखाया गया, वो तस्वीर दिखाई गई है जदा जीन तो लाहण के बाद 53 मिनट हुसैन ना जीन ते हा ना जमीन ते, ये मंजर हुसैन दी धी दिठे शादी जेड़े सैयद बैठे माफी जीन तो लाहण के बाद 53 मिनट ना जीन ते हा ना जमीन ते हा। सुती जात ते बच्चा कोई शे मंगे ना बिलफर्ज, बच्चा पानी भी मंगे, थोड़ा जिया माइक का आवाज पहुंच, सुती जात ते बच्चा पानी मंगे ना निंद्रे च तो बच्चा पहले मुँह बुले सी अखा नहीं खुलेंदा, सारे जान दे हर घर बच्चे हैं, बच्चा सुता पिया होवे ना तो पानी की लोड़ पवे त्रे लगे, सुती जात ते आखसी अम्मा पानी, फिर आखसी अम्मा पानी हथ हथ वधे सी अम्मा मेरे को पानी दे, अखा नहीं खुलेंदा, अखा तदन खुलेंदे जिन हथ वधावण ते पानी न मिले। हुसैन दी धी पानी नहीं मंगा, मेरी सैन को बाबा ख्वाब च मिलन आए। इस इलाके आले अखां बंद न, अलम दी कसम आ हथ वधा के आदियो दिया, आओ मेरा करबला दा गरीब बाबा, आओ मेरा भिरा मोया बाबा, मेरा पुत्र मोया बाबा, धी गुलेंदी आई मैं को लभदा क्यों मैं, मातमी बैठे हो जद धी को प्यो नहीं मिला, कोई बीबी आदी अम्मा सोमा मैं चावा, कहीं दवैन पे आंदे मैं चावा, कहीं बीबी दवैन आए मेरी झोली हाल, सजा दवैन पे आंदे अम्मा सोमा मेरी झोली आद रही, बीबी आदी कहें दो रोए होने तई थई खड़ा आई, अल्लाह जाने धी तो रोस क्यों गई है, मैं को मिले आओ मैं सफरां दे आ रहे हो, अलम दी कसम धी रोंदी खड़ी है, सजादा दे बाबा ख्वाब च मिले, हकीकत कोई नहीं ते ख्वाब च नहीं ते बंदा केड़ा जड़ा है न करे, अल्लाह दी जात ने प्यो ते धी दा रिश्ते ही अजीब बनाए, धी को कंडा लगे प्यो दा हां लै होए, जेड़े मातमी बैठे वे प्यो ते दुखा वे धी बर्दाश्त नहीं करे दी, और मातमी हुसैन जी बाबा आई मासूम जी धी आई, करो सवाल बाप धी तरों दी बैठी है हुसैन दी केड़ी हालत, और मातमी अधी रात दवे ले यजीद दे खास कमरे च हुसैन दा सारे सर तश्त च पे आए, ताहिर बिन अब्दुल्ला दमिश्की दा भर है, इस इलाके आले ताहिर रिवायत करें दे अधी रात ले मैं निटे हुसैन बर्दाश्त ना कर सकता मेरी धी कैरु आई है, इस इलाके आले साडा यकीन है, शिया दा यकीन है, अहले सुन्नत दा भी अकीदे, नबी या इमाम दी आवाज जमाने दी कोई दीवार रोक नहीं सकदी, ये लफ्ज सच शबीरा कहन मेरी धी कहरू आई है, जीने जो नूर महल खड़ी आई पहले रोंदी खड़ी आई हुण दमन पे है, रो के आदी सजाद पहले ख्वाब आई हुण आवाज सुन आदी दरवाजा खोल बैर बाबा आए मैं बाबे दोवे दिया नगरी शाम दी हली है, अल्लाह लानत करे यजीद ते पिस्तर तो जमीन ते डट
बहरा के ताहिर दे पास रेकिया दे ताहिर कयामत नहीं आ ताहिरा दे कयामत तो घट नहीं हुसैन दी धी है पियू दा सर मंगदी ए बेगैरता दे लैवन हुसैन दा सार ओ जवानो अधी रात वेले ताहिर सर जा के जिंदान दे दर्द आए आ दे कैदी बहरा पाप मिलन आई सजाद जंजीर संभाले आवाज आंदी ए आओ मेरे करबला दे गरीब बाबा आओ मेरे करबला दे मुसाफिर बाबा बंदा केड़े जड़ा है न करे हुसैन ने अखां खोलियां आवाज पई आंदी है सजाद दे साथ सही कीवें पई निभदी आई सच्चा दवैण है बाबा जीवें निभिए निभागियां हुसैन दवैण है दे साथ सही डाड़ी चिट्टी क्यों आई रात वधिए ते रोके आदे डिठी मां टुरदी ओ बेगैरत विच ओ गईए दाढ़ी रंग बदलाए आदे नीचे प्यो दे कातिल शाबाश 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 एक मंजल वथा जेड़े माफी बैठे वे अल्लम दी कसम है सर चाहे बुजुर्ग ने पढ़ते रहते हैं जेड़ा सर चाई आंदे उन्हीं अखियां चो रत जेंदा सर चाई आंदे उंदी उंदे गर्दन चो रत जेंदो सर कीती वेंदे उंदे कन्ना चो रत धीद कोल पियो दा सर है धीद झोली दा सर है रोके अदी बाबा वेले वेले दी गल कदी तू समझदा होवे अज धी समझदी आई बंदा केड़ा जेना सीले ते हाथ ना आवे ओ मातमियो त्रै वैण की तन हुसैन दी थी या नगरी हली है पहला वैण करके अदी बाबा तेरिया रंगा कै कटी है दूजा वैण करके अदी बाबा ते को खून दी मेहंदी कै लई ओ जवान नौ तीजा उच्चा वैन करके आदी थी रुल गई है ओ बेच सफरा दे ओ इस मत दा पाक नगीना आदी साप छोटी बाबा जी बाबा जी हाथ ना जोड़ो मैं नौ करा जेड़े मापी बैठे वे इो वैन आई हुसैन दी धी कुलेंद्र आयो मैं डाल लो 29 है जमात मस्त तू मेरा मोहताज है हुसैन दी धी कुलेंद्र आई है जितने मातमी बैठे हो फिजाई में आई है जिवें छेक दो पानी आंदे है नबज ते हाथ लाए तैना लिल्ला है भाई इन्ना ही लाए उच्चा वैन करके आदी है सजाद महारी है वो चलती आ सारी संगत निखर दी भई ये आदी है ठाए काबे दी आदी है ठाए काबे दी लखवार राजी रवाए जितले मापी बैठे हो खत्म मजले छकवाइन पर्दा मुकाई खड़े दुआ मंगदा जेड़े मापी बैठे हो मासूम फरमेंदन बरोज माशर डू कैदी अल्लाह दी बारगाह च जेवरा नाल उठी से कौन कैदी है एक तेरा सतवा इमाम मूसा काजम भी कौन है भाई हुसैन दी मगमूम दी ते को कीवें पता लगे जो सजाद जेवरा नाल समाई सजाद तो समा गया मुद्दत गुजर गई शाम दा मुल्के सलाहुद्दीन अयूबी दा दौर आए अखा नाल पड़ेम सैयद आलमे जिंदा नाम है सैयद इब्राहिम इन त्रै धीआं हैं जिंदा अयूबी दा दौर आई नहर खटवाई नहर दी सेम दा पानी हुसैन दी धी दी कब्र च गए जितले मातमी बैठे हुए सैयद इब्राहिम दी निक्की धी कुकब ख्वाब च मिली आदि रही है मैं तसे दी धीआं पानी चंगा नहीं लगदा तसे दी धीआं मैं को पानी चंगा नहीं लगदा जितना जल्दी थी सकदा है मेरी कब्र मुंतकिल करो पहाड़ पर आले जने मुंतकिल करन दा पूरा हफ्ता सैयद दियां धीआं को मासूमा दी हुसैन दी मिलदी रही आदि रही है मेरी कब्र मुंतकिल करो हफ्ते दे बाद सैयद इब्राहिम ने सैयदां दी मीटिंग बुलाई रात दा वेला जेड़े मातमी ही वे अंधारी रात दा इंतखाब होया एदे पर्दादार हैं जेड़े चांदनी रात च मां दी कब्र ते नैन वेंदी अंधारी रात आई कब्र कुशाई होई कब्र खटीवनी शुरू थई है जेड़ा तावीज कब्र करीब है मर्द पिछा ते हट गए सैयदजादियां कुआदन हुण तुसा कढो मैयत जेड़े मातमी ही वे जदा मैयत नजारे आए मर्द परे खड़े आए
सैयद परे खड़े हैं, छोटी धी सैयद दी पिटे दी प्यो दे कोल आई है। धी मर वनी मांग दुआ बाबा हुन धी मर वनी। क्यों बाबा क्या रिठवे कफन कोई नहीं पाई पाई। रो के आ दिए तू कफन दा पुछदा है बाबा, असा दिठिया बहु बेवसियां है, केरिया बेवसियां दे जेड़ी छोटी कह देन होल गई आई। उन्दे गल वेचो हुन तई रसियां जी मैं लखवार जेड़ा बंदा हुण तई शामिल नहीं हो सका आखरी बैन ते दुआ पिया लेला जितले मात भी वे सैयदा दे वाई आप बन के दे वाला हाओ जना धी करीब आई है। इरादा की ते जो दे वाला हाँ या मैयत कंबी है आवाज पई आंदी है ना रसियां खोले भेण मेरी ए चाचे को निकल जा जेड़े रासा रे विच थी दे रहे हालो सुलम ते हालो सुने समय ओ मैं तू घोड़े नाल भजे दे। मालिक अल्लाह सु कबूल फरमा इबादत कबूल फरमा जेड़ी अखम बादशाह कुरुनियन अपने कहे गम विच न रुआ। बादशाह हुसैन दा सदका बिरादर सैयद कसर बादशाह साहब द पुरखलूस इतमान कबूल फरमा। मालिक इन भाइयों के जोड़ सलामत रख जी। जी मैं लख वार ना रसियां खोले भेण मेरी ए चाचे को निकले सामे मैं तू घोड़िया नाल भजे दे। मालिक अल्लाह इस मासूम की गुरबत वास्ते ही मालिक हाजरीन दे हवाए जे शरिया पूरे फरमा। बानी मजलिस भाई कसर अब्बास ते जुमला मरहूमीन दे दरजात बुलंद फरमा। बिरामन दे जोड़ सलामत रख, बच्चन दी जिंदगी दराज फरमा। पारे दैन दा साया माए मालिक सरन ते कायम दायम रख, सिवाय गमे इमाम हुसैन दे हर गम तो महफूज फरमा। मालिक जड़ी अखां बादशाह हुसैन दी धी दी गुरबत च रुनियन, मालिक अपनी कहीं गुरबत च कहीं दुख च न रुआ। मालिक बीमार हैं तो शिफा दे, बे औलाद हैं तो बछड़े दे, तंग दस्त हैं तो गुरतों दूर फरमा, बेरोजगार हैं तो रोजगार अता फरमा। जेड़े हाथ दुआ दे बुलंद ने कोई चौड़न का दवार बना, वारिसे हकीकी इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा, सब को इमाम दी ज़ियारत दे काबिल बना। मालिक मारे हुसैन हुसैन करेंदा, उठावे अली अली करेंदा, दामन पंज बारां दा होवे हथ सब गुनाहगारां दा होवे। गम कोई न दे हमको सिवाय गम शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा